चलिए आगे बढ़ते हुए बात छत्तीसगढ़ की। यहां दुर्ग में अवैध कब्जे पर एक्शन लिया गया, इस पर प्रशासन का बुलडोजर चला, जहां मस्जिद के नाम पर 2.5 एकड़ में अवैध कब्जा किया गया था और उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा तो उसने उस पूरे इलाके को खाली करवाया। भिलाई रायपुर हाईवे पर अवैध कब्जा किया गया था, मजार, दुकानें, बारात घर, सब कुछ अवैध तरीके से चल रहा था। कुल 2.5 एकड़ की जमीन जो अवैध कब्जा जिस पर किया गया और उस पर बुलडोजर चलाया गया। भिलाई नगम और जिला प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई की। हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चला। निगम के अमले के साथ SDM, 100 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी, 150 से ज्यादा निगम कर्मचारी, आधा दर्जन JCB, ये सब कुछ अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए दिखाई दी। खबर हम आपको तस्वीरों के साथ दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीरें, हाईवे के बगल वाली जमीन पर कैसे अवैध कब्जा किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तस्वीर। बुलडोजर एक्शन इन दोनों, आप चाहे मध्य प्रदेश की बात कीजिए, आप चाहे राजस्थान की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश में तो पेटेंट है इसका, और अब ये कार्रवाई का दायरा छत्तीसगढ़ में भी बढ़ता जा रहा है। ये आप देख रहे हैं अवैध कब्जे के खिलाफ कैसे कार्रवाई की। ये इतना पक्का कंस्ट्रक्शन है कि बुलडोजर को भी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ एक मजार बना दी गई थी, उसके बाद इर्द गिर्द दुकानें आ गई, उसके तमाम इर्द गिर्द प्रतिष्ठान जो है वो बना दिए गए, और अब उस पर कैसे ये JCB के जरिए कार्रवाई की जा रही है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये दुर्ग की बुलडोजर एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां पर आप देखें कि अवैध कब्जे पर कैसे एक्शन लिया जा रहा है। ये सालों से कब्जा किया गया था जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की।